फिट इंडिया मूवमेंट का कार्यक्रम हो या फिर वे सभी कार्यक्रम सांसद खेलकूद प्रतियोगिता का कार्यक्रम हो या फिर हर जनपद में खेलो इंडिया सेंटर की स्थापना का कार्यक्रम, ये सभी एक नए भारत के सामर्थ्य को प्रदर्शित करने का एक सशक्त माध्यम बना है और युवा ऊर्जा को आगे बढ़ने का भी एक बेहतरीन तरीका आगे बढ़ा है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की यह सरकार हर जनपद में एक स्टेडियम हो, हर विकास खंड स्तर पर मिनी स्टेडियम हो, हर ग्राम पंचायत स्तर पर खेल का मैदान और खेल के मैदान के साथ ही ओपन जिम का निर्माण हो, यह सब सुनिश्चित करते हुए हम कार्य कर रहे हैं। हर ग्राम पंचायत में महिला मंगल दल और युवक मंगल दल को स्पोर्ट्स किट उपलब्ध कराए जा रहे हैं और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है अब तक 60,000 से अधिक युवक मंगल दल और महिला दलों को हम लोगों ने स्पोर्ट्स किट प्रदेश के अंदर उपलब्ध करवाए हैं। सांसद खेलकूद प्रतियोगिता हर संसदीय क्षेत्र में पूरे जनप्रतिनिधियों के सहभागिता के साथ प्रधानमंत्री जी के विजन के अनुरूप परिणाम ला रहे हैं। आज इसी का परिणाम है कि ओलंपिक होता है तो भारत अब तक के सर्वाधिक मेडल प्राप्त करता है। एशियन गेम्स में भारत ने पहली बार 100 का आंकड़ा पार करते हुए 107 मेडल प्राप्त किए। पैरा ओलंपिक एशियन गेम्स में भारत ने 100 का आंकड़ा पहली बार पार किया और 111 मेडल प्राप्त किए हैं। यह एक नए भारत का सामर्थ्य दिखाता है और इस नए भारत के सामर्थ्य की दृष्टि से यह मेला हाफ मैराथन भी हम सबके लिए एक नई प्रेरणा का केंद्र हो सकता है। हम जितना शारीरिक रूप से फिट होंगे उतना ही मानसिक रूप से भी सशक्त होंगे। याद रखना, प्राचीन काल में ही भारतीय मनीषा ने, भारतीय ऋषि परंपरा ने एक बात का उपदेश दिया था कि शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, शरीर के स्वस्थ रहने पर ही धर्म के सारे साधन पूरे हो सकते हैं। जितने भी कार्य हैं जीवन के, एक स्वस्थ शरीर से ही संभव हो पाएंगे और इसीलिए स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क रह सकता है। स्वस्थ मस्तिष्क रहेगा तो चिंतन भी स्वस्थ होगा, चिंतन भी स्वस्थ होगा तो विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने में कोई देर नहीं लगेगी। और प्रधानमंत्री जी के उसी विजन को आगे बढ़ाने के लिए आज एक सशक्त भारत के निर्माण के लिए, स्वस्थ भारत के निर्माण के लिए ये सारे अभियान आगे बढ़ रहे हैं। भाइयों बहनों, आज का एक कार्यक्रम खासतौर पर आधी आबादी के सशक्तिकरण का भी माध्यम बने। हम सब मन वचन कर्म से इस संकल्प के साथ जुड़े कि महिला शक्ति के स्वावलंबन के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए, उनके सम्मान के लिए डबल इंजन सरकार के द्वारा चलाए जा रहे इस अभियान को हम जन जन तक पहुंचाने का कार्य करेंगे और मिशन शक्ति का यह अभियान प्रदेश के अंदर इसी भाव के साथ आगे बढ़ रहा है। हाफ मैराथन में अच्छी पुरस्कार राशि भी घोषित की गई है। जो मुझे बताया गया, मैराथन में विजेता को 3 लाख, उप विजेता को 2 लाख और द्वितीय और तीसरा पुरस्कार प्राप्त करने वाले को 1-1 लाख रुपए का पुरस्कार दिया जाएगा। और भी अन्य पुरस्कारों की ढेर सारी घोषणाएं की गई है। ये चीजें दिखाती है कि हमारे खिलाड़ी अच्छा कार्य करेंगे तो अच्छा पुरस्कार भी प्राप्त करेंगे और हमें इंतजार होगा कौन ये पुरस्कार प्राप्त करता है। आज की इसमें पहला, द्वितीय, तृतीय पुरस्कार कौन प्राप्त करता है। अग्रिम बधाई उन सभी खिलाड़ियों को अभी से देते हुए मैं इस पूरे कार्यक्रम के प्रति अपनी शुभकामनाएं देता हूं। माननीय अध्यक्ष जी का प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आगमन के लिए हृदय से स्वागत और अभिनंदन करते हुए इस पूरे कार्यक्रम के आयोजक केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर जी को
हृदय से धन्यवाद देते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद।